हेलो एवरीवन, आज का ये पूरा वीडियो फर्स्ट ईयर वाले बच्चों पे रिलेटेड है, क्योंकि जैसा कि आप लोग थंबनेल देखे होंगे, वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ कि पूरा रिकवरी बैच में किस प्रकार से मैं आपका सिलेबस कंप्लीट कराने वाला हूँ रिकवरी बैच 2.0 को। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, जो लोग मेरे से थोड़ा बहुत चैनल को एनालिसिस किए होंगे या किसी अपने सीनियर के बताने पर मेरे चैनल पर विजिट किए होंगे, तो वो लोगों को पता हुआ कि मैं फर्स्ट ईयर में मतलब आपके सीनियर के लिए भी रिकवरी बैच लॉन्च किया था। और उस रिकवरी बैच में जैसे कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, प्लेलिस्ट बनाया था, और इसमें रिकवरी बैच में मात्र 10 वीडियो में मैं पूरा रिकवरी बैच को खत्म कर दिया था। मतलब जितना भी बीसीए फर्स्ट ईयर का जितना भी सिलेबस है, ये 10 वीडियो में मैं पूरा खत्म कर दिया हूँ। और एक हर वीडियो लगभग 30 मिनट 20 मिनट, उससे ज्यादा का वीडियो नहीं है। तो अगर अच्छे से आप देखना चाहोगे इस पूरा रिकवरी बैच को, तो मुश्किल से आप 5 से 6 दिन में पूरा रिकवरी बैच को अभी से खत्म कर सकते हो। एक बार नहीं, दो बार खत्म कर सकते हो। 10-12 दिन में 2 बार रिवीजन भी कर लोगे, अच्छे से नोट्स भी बना लोगे, आप आसानी से इस रिकवरी बैच को कंप्लीट कर सकते हो। आप भी करना चाहोगे तो मैं आगे आपको और बताऊंगा डिटेल में किस प्रकार से आपको पढ़ाई करना है मेरे साथ जुड़ के। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो आप किस प्रकार से मैं आपको आगे का गाइड करूंगा एग्जाम तक, ये सब मैं आगे के वीडियो में बात करूंगा। तब तक मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं और क्लियर कि रिकवरी बैच को मैं बनाया था, जैसे कि आप देख सकते हो इसका प्लेलिस्ट का लगभग 12,000 लोग से अबव लोग प्लेलिस्ट से सिर्फ इस वीडियो को देखे थे। और आपको यकीन नहीं होता है तो आप जाके सिर्फ प्लेलिस्ट को जब ओपन करोगे तो आप इसका जब व्यू देखोगे तो लगभग 30,000 से 35,000 बच्चे इस रिकवरी बैच से जुड़े हुए थे, ठीक है। और आप जब रिकवरी बैच इस वीडियो को जब इसे पढ़ोगे तो इस वीडियो में मैं क्या क्या कंटेंट आपको बताया था, जैसे कि मैं पूरा पहले टॉपिक बाई टॉपिक आपको पढ़ाया था, और उसके बाद पढ़ाया था मतलब सीनियर को पढ़ाया था, और उसके बाद हर एक टॉपिक जैसे पहला रिकवरी बैच वीडियो नंबर पहला पढ़ लिए, तो जैसे ही आप कंप्लीट होगा तो वीडियो के लास्ट में 5-10 मिनट उस जितना भी टॉपिक है उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन अगर प्रीवियस ईयर में आए होंगे उसको मैं आपको हैंडल किया हूं। और किस प्रकार से एग्जाम में अगर क्वेश्चन आते हैं किस प्रकार से आप लिखोगे, ये भी इस रिकवरी बैच में मैं बताया था। तभी ये रिकवरी बैच इतना सक्सेस हुआ था कि आप जब इसका कमेंट खोल के देखोगे तो बच्चे बहुत सारे कमेंट किए होंगे, बहुत कमेंट होगा कि रिकवरी बैच से लगभग मेरा 8 क्वेश्चन लड़ गया, 10 क्वेश्चन में 10 लड़ गया, ऐसे करके बहुत क्वेश्चन कमेंट इस रिकवरी बैच के अंदर मिलेंगे। एक दो बच्चे लगभग मेरे को वीडियो बना के भी भेजे थे, जो मैं इस वीडियो के प्लेलिस्ट के नीचे जाओगे तो आपको एक बच्चे का आपको मिल जाए रिएक्शन कि रिकवरी बैच से उसको क्या प्रॉफिट हुआ। ऐसे इंस्टा पे बहुत सारे कमेंट आए थे, लेकिन इतना ही आपके लिए काफी है जब आप इसका कमेंट करोगे। और ये सब देखने की क्या फायदा, जब अपने से आप पहले इस रिकवरी बैच को एक बार विजिट करिएगा और अपने से एक बार देखने की कोशिश करिएगा कि आपके जो सिलेबस में है अगर इसमें पढ़ाया गया है तो आप जरूर इससे जुड़ सकते हो, ठीक है। मैं आपको ये फोर्स नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको लगेगा कि हाँ ये इससे प्रॉफिट हो सकता है तो जुड़ सकते हैं। अब मैं बता रहा हूँ कि किस प्रकार से आपको पढ़ना है, ये तो आप पढ़ लेंगे। मैं इस बार सोचा कि मैं आपके लिए फिर से एक बार रिकवरी बैच को 2.0 को मैं फिर से एक बार इन सभी चीज को जो मैं पढ़ाया था रिकवरी बैच में वही चीज मैं फिर से पढ़ाऊं। लेकिन मैं जब रिकवरी बैच को फिर से एक बार ओपन किया और देखा वीडियो को, तो अभी लगभग 5-6-7 महीना पहले के ये सब वीडियो बनाया हुआ था। और यकीन करो कि 2023 में सिलेबस था वही सेम सिलेबस 2024 में आपका आने वाला है, मतलब कोई अंतर नहीं है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जब एनालिसिस करोगे तो लगभग हर साल का क्वेश्चन लगभग कुछ क्वेश्चन मिक्स होते हैं, सेम रहते हैं, ठीक है। मतलब वही सेम सिलेबस से क्वेश्चन आना है तो क्या आएगा ये। तो मैंने सोचा कि इतना ही जब वीडियो को फिर से मैं अगेन जब रिकवरी बैच 2.0 में बनाऊंगा, इससे अच्छा है कि यही सब चीज को मैं रिकवरी बैच 2.0 आपके लिए एक सेपरेट मैं इसी सब वीडियो को क्या करता हूं कि आपको खोजने में दिक्कत ना हो, एक रिकवरी बैच 2.0 के नाम से एक लिस्ट बना देता हूं, ठीक है। उसमें इसमें का जो मेन जो वीडियो जो 10 वीडियो है रिकवरी बैच का, ये वीडियो उसमें मैं पेस्ट कर दूंगा, कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये आप 10 वीडियो पहले देख लेंगे, इससे आपका जितना भी सिलेबस है, खासकर जो पाटलिपुत्र के बच्चे हैं, चाहे पटना यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, मगध के हैं, ये सब सिलेबस सेम ही रहता है। आदर यूनिवर्सिटी के बच्चे उनके लिए मैं बता दूं कि इस रिकवरी बैच में फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पूरा कंप्लीट कराया गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम फॉक्स प्रो क्यू बेसिक कंप्लीट कराया गया, इतना चीज इसमें कंप्लीट कराया गया, एक दो चीज शायद मिस होता होगा। तो ये सब अगर आपके फर्स्ट ईयर के सिलेबस में होगा तो इस रिकवरी बैच के आदर यूनिवर्सिटी वाले भी देख सकते हैं, ठीक है। बहुत पहले बहुत बच्चे अदर यूनिवर्सिटी से इस रिकवरी बैच को जुड़े थे, तभी 30,000 बच्चे इसको विजिट किए हैं और पढ़े भी हैं। तो
सबसे पहले मैं इस प्लेलिस्ट में यहाँ पे डाल दूंगा, क्योंकि दोबारा से फिर से मैं इसी को बनाने से कोई फायदा है नहीं। अब मैं आगे इसमें क्या आपके लिए एड करूंगा रिकवरी बेस 2.2 में, तो इसमें मैं एड करूंगा आपको कि लगभग जो 4-5 साल का जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसको मैं क्या करूंगा कि एनालिसिस करूंगा। कैसे एनालिसिस करूंगा, जैसे मैंने प्रीवियस ईयर 2020 का क्वेश्चन लिया और उसका क्वेश्चन जब मैं पहला उठाऊंगा और देखूंगा कि रिकवरी बैच में क्या मैं जो पढ़ाया हूँ इसे क्वेश्चन उसमें लग रहा है, और अगर क्वेश्चन नंबर 1 अगर लड़ता है तो किस प्रकार से उसका आंसर हम लोग लिखेंगे, ये चीज मैं आपको बताऊंगा। तो ऐसे क्या होगा कि लगभग 4-5 साल का क्वेश्चन को मैं प्रैक्टिस आपके सामने करूंगा रिकवरी बेस 2.0 में। जब 10 क्वेश्चन पहले 10 वीडियो को आप लोग कंप्लीट करना चालू करते, जो बच्चे जैसे आज से जुड़ेंगे तो आज से पढ़ना चालू कर देंगे, 1 महीना बाद जुड़ेंगे तो 1 महीना बाद से इस वीडियो को देखना चालू कर देंगे। तो उसके बाद क्या होगा, जब आप कंप्लीट कर लोगे तो रिकवरी बैच 2.0 में मैं फिर से क्या करूंगा कि इसके बाद 10 वीडियो के बाद जो मैं वीडियो इसमें ऐड करूंगा प्लेलिस्ट के अंदर, इसमें मैं बस एनालिसिस करना चालू करूंगा कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1 जैसे 2020 में आए थे, तो इस क्वेश्चन के आंसर जैसे मान लो कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, तो नॉर्मल क्वेश्चन है कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, तो उस पे अगर कोई क्वेश्चन आया हुआ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पे तो किस प्रकार से उसको हम लोग लिखेंगे। खास करके ग्रेजुएशन में तो वो पता है कैसे लिखना रहता है, 3-4 पेज में आंसर देना रहता है, तो कैसे हम 3-4 पेज लिख पाएंगे ये सब चीज मैं आपको बताऊंगा। एग्जाम तक आपके साथ खड़ा रहूंगा। अगर कोई भी दिक्कत होता है इस रिकवरी बैच को देखने में आप तुरंत कमेंट करिएगा, और आपको भी पता है कि जो भी पुराने कमेंट होते हैं वो नीचे चले जाते हैं, नए कमेंट आप जैसे करेंगे इस वीडियो पे तो डायरेक्ट मेरे नोटिफिकेशन बार में 1 नंबर पे आपका शो करेगा। तो मैं एक्टिव हूँ, आप जो भी कमेंट करेंगे देखते समय कोई भी दिक्कत हो मैं तुरंत उसका रिप्लाई करूंगा, लेकिन फिर भी अगर लेट होता है तो आप डायरेक्ट मेरे इंस्टा पे आइएगा प्रियांशु सिंह 6205, आपको पता होगा अबाउट सेक्शन से भी जाके आप देख सकते हैं। इंस्टा पे आप डायरेक्ट आके कमेंट करते हैं तो वहां से अभी अगर कमेंट करिएगा तो 1-2 घंटे में आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। तो कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाला है, मतलब अगर आप इस चैनल से जुड़ते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल से जुड़िए और जो मैं आपको बता रहा हूँ वो काम करिए। पहले 10 रिकवरी बैच को देखिए, देखने के बाद आपको मैं पक्का यकीन के साथ कहता हूँ कि अगर आप ईमानदारी के साथ पढ़ेंगे तो 70% मतलब 200 नंबर का जो ऑनर्स पेपर होता है उसमें 150 के अभाव आप पक्का ला देंगे। आप पता है ना 150 नंबर बहुत बड़ा बात होता है 200 में से ऑनर्स में, खास करके बीसीए में ग्रेजुएशन वगैरह में 200 में से ऑनर्स पेपर में से अगर 150 के अभाव लाते हैं बहुत बड़ी बात होती है, बहुत कम बच्चे के आते हैं। तो अगर ला देते हैं तो पक्का आप लेके आएंगे 200 में से 150 के अभाव, मतलब 75% के अभाव तो पक्का ही लेके आएंगे, ये मेरी गारंटी हो जाती है, ठीक है। उसके ऊपर आप जितना ला दें तो अभी से आपके पास लगभग 5-6 महीना का समय है, इसको अच्छे से हम लोग क्या करते हैं कंप्लीट करते हैं। रिकवरी बैच को पूरा देखो, एक कॉपी ले लो और रिकवरी बैच को देखो, नोट्स बना लो, नोट्स बनाने के बाद आपका भाई जो प्रैक्टिस कराएगा उसको प्रैक्टिस करो, और इसके साथ साथ रिकवरी बैच में और आपको बताते हैं मैंने क्या कराया है। रिकवरी बैच में हिंदी सब्सिडरी का पूरा कंप्लीट बताया था, सिलेबस के साथ कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, हिंदी का भी मैं पढ़ाया हूं कुछ वीडियो, उसको देख सकते हो। इंग्लिश भी बताया हूँ किस प्रकार से पढ़ना है, मैथ भी बताया हूँ, वो सब वीडियो आपको रिकवरी बैच के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। धीरे धीरे मैं ऐड कर दूंगा 10 वीडियो के बाद, पहले ऑनर्स पेपर कंप्लीट कराऊंगा, फिर हिंदी इंग्लिश का कंप्लीट कराऊंगा, फिर मैथ, ठीक है। मैं मैथ मैं पढ़ाया नहीं हूँ लेकिन बता दूंगा कैसे आप कम से कम पासिंग मार्क्स तो ला ही सकते हो, क्योंकि ये तीनों सब्सिडरी होते हैं, ज्यादा बच्चे नहीं पढ़ते हैं और जल्दी कोई पढ़ाता भी नहीं है, क्योंकि मेरे को भी पढ़ाया नहीं गया है, यूनिवर्सिटी वाले नहीं अच्छे से पढ़ा पाते हैं, सब्सिडरी नहीं पढ़ाते, इसलिए हम भी नहीं पढ़ा पाते हैं, क्योंकि जब तक मेरे पास नॉलेज नहीं रहेगा, क्योंकि जानते हो कि पढ़ने से ज्यादा पढ़ाने पे नॉलेज आपको होना चाहिए, जब तक आप पूरा अच्छे से किसी डीप नॉलेज नहीं ले रखे हो तो उसको पढ़ा नहीं सकते हो, तो कुछ प्रॉब्लम होता है। जो मेरे पास नॉलेज है बस मैं वही आपके सामने रखता हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो आप सपोर्ट कर सकते हैं और इस रिकवरी बेस्ट 2.0 को आप फॉलो करिए, ठीक है। पुराने वीडियो कुछ इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि इतना मेहनत में फिर से क्यों करूं मैं, मेरे को इस बार सेकेंड ईयर वाले बच्चों पे भी ध्यान देना है तो मैं थोड़ा वहां पे बहुत व्यस्त रहूंगा, लेकिन आप यकीन करते हैं कि कोई भी परेशानी नहीं आएगा। इस वीडियो को आप देखोगे रिकवरी बेस्ट 2.0 में, जो पुराने वीडियो 10 में इसमें ऐड करूंगा, कोई भी दिक्कत होगा आप भाई के पास कॉमेंट करिएगा, उसका तुरंत आपको रिप्लाई मिलेगा। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर। मैं यकीन करता हूँ कि बहुत बच्चे अब जुड़ेंगे, आप लोग भी अपने भाई सब में शेयर करिएगा, अपने ग्रुप में शेयर करिएगा और बहुत बच्चे को जोड़िएगा कि मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और ऐसे वीडियो लाता रहूँ।